अरमान ने लगाया अबीरा को गले से। सो गाइस फाइनली अबीरा भी कन्वेंस हो चुकी हैं अरमान से। सो गाइस जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ये बताया कि अरमान पहुंच चुके हैं मसूरी सिर्फ और सिर्फ अबीरा को मनाने के लिए और अपनी दिल की बातों को अबीरा तक पहुंचाने के लिए, जहाँ पे एक मोमेंट आएगा जहाँ पे अबीरा एक बार की कन्वेंस हो जाएंगे अरमान की बातों से। यानी कि जब अरमान बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी बड़बड़ सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे आने से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अरमान अबीरा से बोलने वाले हैं, अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं, तो उन सब चीज़ों को सुन के कहीं ना कहीं अबीरा के दिल में भी जो अरमान के लिए पहले से प्यार है वो आ जाता है और अरमान अबीरा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों हैप्पी भी नज़र आते हैं। लेकिन अबीरा को फिर अचानक से पहले का याद आता है कि अरमान ने अबीरा के साथ क्या क्या पहले कर रखा है, तो उन सब मोमेंट को याद करके अबीरा थोड़ा अरमान को धक्का दे देती हैं, गले से छोड़ देती हैं, मतलब धक्का टाइप हो जाता है। तो उसके बाद भी जो अरमान के फादर हैं माधव, वो आ जाते हैं और अबीरा को बचाने के लिए, मतलब अबीरा धक्का दे देती है और अरमान फिर से ट्राई करते हैं अबीरा को गले लगाने के लिए, तो वो भगा देते हैं अरमान को। लेकिन गाइस अब अरमान ने तय कर लिया है कि दुल्हनिया तो वो लेके जाएंगे मसूरी से।